हे एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक मसाला। ये एक मैजिक मसाला है जो कि हर किसी सब्जी के साथ चला जाएगा। चिकन, मीट या किसी भी चीज़ के साथ आप बनाने जा रहे हैं, आप ये मसाला यूज़ करें। परफेक्ट मसाला होगा, बहुत ही जीरा धनिया के पोषण का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपको ये बना के रख लेना है। तो इसके लिए एक कप मैं ले रही हूँ जीरा और दो कप धनिया, यहाँ पे ले रही हूँ अजवाइन और थोड़ा सा मेथी, दो चम्मच मैं ले रही हूँ इसमें सौंफ और ये है यहाँ पे चिली। चिली कम ज़्यादा आप कर सकते हो, साथ में 7-8 इलायची, 10-15 लौंग और एक छोटा सा ये जो हमारा स्टिक होता है ना, सिनेमन स्टिक, वो साथ में 5 मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेलीफ, जो तेज पत्ता होता है। इसको आप ना छोटा छोटा थोड़ा तोड़ लें तो भुनने में थोड़ा सा ये आराम मिलता है। अब इसे आप लो फ्लेम पे भुनेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे भुनेंगे ना, जल्दी के चक्कर में हमारा जो ये मसाला है वो जल जाएगा। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर और फिर इसको हम लोग लो मीडियम फ्लेम पे भी आप भून सकते हैं, पर लो फ्लेम पे ज़्यादा सही रहता है। और आप ये हो गया है, आप इसको कैसे समझेंगे कि ये जो तेज पत्ता है ना, आप तेज पत्ता को देख लीजिएगा, तेज पत्ता थोड़ा क्रिस्पी सा हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमारे पूरे मसाले जो है वो पक चुके हैं, मतलब अच्छे से भुना चुके हैं। उससे ज़्यादा हमें भुनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पर इसको हम लोग कंटिन्यूसली भुनेंगे ताकि हमारा कोई भी मसाला लगे नहीं। और देखिए ये अब हो सा गया है, ये अब टूटने लगा है आराम से, तो ये हो गया है। तो अब हम लोग इसको बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप मिक्सर जार में इसे अच्छे तरह से एक फाइन जो पाउडर होता है वो बना लीजिए। ये मेरा कॉफ़ी ग्राइंडर है, तो कॉफ़ी ग्राइंडर में क्या होता है ना, ये मसाले बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। तो अगर आपके पास कॉफ़ी ग्राइंडर है तो आप उसमें भी ये मसाले भून लीजिए, नहीं तो मिक्सी का जो आपका पाउडर वाला जार है आप उसमें भी भून सकते हैं। तो कॉफ़ी ग्राइंडर ना थोड़ा छोटे साइज़ का होता है, इसलिए मैं इसको बैचेस में भून रही हूँ। ये देखिए कितनी जल्दी से हो गया। इस तरह से हम लोग बैच करके थोड़े थोड़े पोर्शन में करके सारा का सारा जो हमारा ये मसाला है ये इसको हम लोग बना लेंगे। और इसको आप एयरटाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए और यकीन मानिए ये बहुत ही मज़ेदार होता है। और डेली का जो एक झंझट होता है हल्दी मसाले का पोर्शन को याद रखना, उससे बिल्कुल छुटकारा। तो ऑल इन वन मसाला बनाइए, खाइए एंड एंजॉय।